नमस्कार दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए आप लोगों के लिए, ये आप देख रहे हैं होंडा शाइन 125 का ओनरशिप रिव्यू। और ये जो रिव्यू है, ये आप ओनर से बात कराएंगे कि ये गाड़ी वो 12,000 किलोमीटर चला लिए हैं, तो इसका जो एक्सपीरियंस क्या है उनको और क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस किए हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लेम करेंगे और बताएंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं इसका रिव्यू, तो मैं इसका रिव्यू किया हूँ होंडा शोरूम में, मोनका होंडा में, तो आप एक बार आई बटन में क्लिक कीजिए, ऊपर में आपको आई बटन मिल जाएगा और उसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा गाड़ी का। तो ये आप है ओनरशिप रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे साथ है गाड़ी के ओनर, तो उनको इनवाइट करते हैं फ्रेम में, आइए। तो आपका नाम बताइए। अरिजीत। अरिजीत जी, आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल, गोपाल लखपुर। अरिजीत जी, मुझे सबसे पहला बात बताइए, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये जो गाड़ी है, आप कब परचेस किए थे? 1 ईयर पहले। और कितना किलोमीटर चला लिया? 12,000 किलोमीटर चला लिया। और गाड़ी में कोई भी दिक्कत और कुछ परफॉर्मेंस में दिक्कत? गाड़ी में दिक्कत बोलने से बस ये सेल्फ का दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रहा है अरिजीत जी, मुझे बताइए। तो इसमें सेल्फ बहुत लंबा लेता है, क्विक नहीं है। ओके। लेकिन होंडा बहुत अच्छा किया है कि इसमें आप सेल्फ का जो बटन है इसमें सब दे दिया, यहाँ इंजन किल स्विच भी दे दिया, प्लस यहाँ से आप सेल्फ लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें पहले क्या होता था, जल्दी सेल्फ ले लेता था, मतलब एक ऐसे छूने से गाड़ी स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब इसको दबा के रखना पड़ता है। देखिए, तो ये डिसएडवांटेज है गाड़ी का। और क्या अरिजीत जी मुझे बताइए, गाड़ी में कोई दिक्कत और? गाड़ी में कुछ तो वैसा फॉल्ट है नहीं, बस एक ही चीज, इसमें डिजिटल मीटर देना चाहिए था। ओके। 1 लाख पड़ गया जब गाड़ी का डिजिटल मीटर देना चाहिए था। कितना आप पेमेंट किए थे गाड़ी का? 1 लाख के करीब। 1 लाख के करीब, तो इसमें आपको डिजिटल मीटर देना चाहिए था, ये भी एक बहुत अच्छा बात है, लेकिन एनालॉग मिलता है। और अरिजीत जी, और एक मुझे बताइए कि आप जब ये गाड़ी लेने गए थे तो आप कौन कौन सा गाड़ी देखे थे? सुपर स्प्लेंडर देखे थे, तो उसको क्यों नहीं लिया आप? वो थोड़ा हल्का था गाड़ी, इसका ऐसा मजा नहीं आया, इसमें जो कम्फर्ट है उसमें कम्फर्ट नहीं मिला। जी हाँ, होंडा कम्फर्ट में भी ध्यान देता है, प्लस इसका जो चाल है वो चाल आपको उसमें भी नहीं मिलेगा, स्मूथ है ये गाड़ी। हाँ, और एक सबसे बड़ा ऑडियंस भी पूछेगा कमेंट में मेरे को कि ये क्या चीज है, ये इसके बारे में किसी ने चोरी कर लिया, उसी के लिए मैं लगाया नहीं। और आप इस गाड़ी इसके चलाने में कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल। कब से चला रहे हैं ऐसे रख के गाड़ी? 1 महीना। 1 महीना हो गया। अच्छा, तो अब लगाने का सोचे हैं कि नहीं सोचे? इसको शोरूम जाने से लगवाऊंगा, बेकार का 100 रुपीज वेस्ट क्यों करूं उसके पीछे। शोरूम में तुरंत मिल जाएगा। ओके। सो ये अच्छा लगा अरिजीत जी, एक यूनिक चीज आपका गाड़ी में देखने को मिला, ये आप देख रहे हैं। और ये एक्चुअली एक कंफर्टेबल है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आया अभी? कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए, और मुझे बताइए कि आप कितना स्पीड तक इसको चला लिए? 115। बहुत ज्यादा है। कैसे था ये चीज, कैसा था? चल रहा था, ज्यादा काम नहीं रहा था गाड़ी, स्मूथ चल रहा था। और गड्ढा वड्ढा में, जैसे हम लोग का रास्ता देख रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं गड्ढा वड्ढा, यहीं से लेके आए, तो ये जो कैसे है गाड़ी का कंफर्टेबल और शॉकर? सुपर है, कंफर्ट बहुत मस्त है इसका। खेलता अच्छा है गाड़ी? बहुत अच्छा खेलता है। बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक का, तो आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और इंजन जो है ये है 125cc BS6 इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 10.59 BHP और 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो मुझे एक बात बताइए, ये माइलेज कितना देता है गाड़ी? वही 55-60 दे देता है लोकल में। और आप जो बोले कि 110 में आप चला, 110 की 15 में, तो उस समय माइलेज क्या दे रहा था गाड़ी? माइलेज वैसा तो कुछ खास पता नहीं, फिर भी 55 से ऊपर, हाईवे में चला रहे थे तो 55 से ऊपर होगा, 55 से ऊपर दे रहा होगा माइलेज। अब बात कर लेते हैं सर्विसिंग का, तो अभी आप टोटल कितना सर्विस करा लिया गाड़ी का? 4 सर्विसिंग हो गया, तो मतलब 3 तो फ्री मिलता है गाड़ी का, और ये है 4th, मतलब पेड आप करवाए। कितना खर्चा हुआ पेड वाला में? पेड वाला में आपका 800 खर्चा हुआ। किया और ऊपर से नट और टाइट किया, बाकी वॉशिंग हुआ, पॉलिश वॉलिश हुआ। तो मतलब अभी फिर से जाना है सर्विस सेंटर, तो अब फिर एक तो मोटा खर्चा वो लगेगा, वो उसका वो नहीं लगाएंगे पड़ेगा तो ऐसे ही चलाएंगे। ये यूनिकनेस है सबसे अलग दिखेगा हटके। अब बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको देखने मिलता है हेलोजन लैंप। और लैंप का कैसा थ्रो है? लैंप लाइट मस्त है, लाइट अच्छा है, नाइट में कभी भी कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आप देख रहे हो मिलता है डिस्क ब्रेक, ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलेगा। डिस्क ब्रेक मॉडल लेने का क्या जरूरत था, ड्रम ब्रेक भी तो था। डिस्क ब्रेक में सडन रुकता है गाड़ी। हाँ, सडन ब्रेकिंग देखिंग अच्छा, आप जैसे 100-100 में चलाते हैं, यंग लड़का लोग हैं तो अब अच्छा ब्रेकिंग चाहिए। लेकिन डिस्क ब्रेक का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जैसे ब्रेकिंग आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन डिस्क का डिसएडवांटेज क्या है कि इसका मेंटेनेंस ज्यादा है, सर्विस कॉस्ट ज्यादा आएगा डिस्क ब्रेक में, प्लस आप ब्रेक अगर फट से पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको ABS नहीं मिला है,
ना इसमें सिर्फ आपको मिलता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो होंडा प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब इसमें ABS नहीं है, 125cc का में, तो इसमें दिक्कत क्या आ जाएगा कि आप जैसे ब्रेक पकड़ेंगे तो ब्रेक को पकड़ लेगा और अब गिरने का चांसेस रहता है कि नहीं। तो फ्यूचर में हो सके शाइन में आपको देखने को मिलेगा ABS। अब बैग से बात कर लेते हैं, तो बैग में आपको इस तरह का हेलोजन लैम्प मिलता है और ये आप देख रहे हैं नंबर प्लेट, ब्लिंकर्स इस तरह का। साइड प्रोफाइल गाड़ी का बहुत ही अच्छा है और शाइनिंग वाइनिंग बहुत अच्छा है, क्रोम का फिनिशिंग यहाँ पे मिलता है, तो सब रस्टिंग का तो इशू नहीं है गाड़ी में, कोई रस्ट उस्ट लगता नहीं है आराम से कोई, इसमें जैसे क्रोम का फिनिशिंग के साथ मिलता है गाड़ी। तो इस तरह का था मेरा रिव्यू, तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए अपना बात। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट।